सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि होम्योपैथी बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और मुझे और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई पंक्ति आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए और सरकार की जो मंशा है जो इस समय वह लेके आई है बिल क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है।